नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एल नाम वाले जातक एवं यू नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं यू नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों का सम्मान, एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं एवं ये कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना या एक दूसरे की बातों को अनसुना करना पसंद नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के अच्छे समय में एवं उनके बुरे समय में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम यू नाम वालों की बात करें तो यू नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा ईमानदार एवं वफादार होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं ये हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं ये अपने जीवन के यात्रा में अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने आजादी के साथ में, अपने स्वतंत्रता के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपनी आजादी को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं यू नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।